नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों आज मैं एक इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना आपको दिखाने वाला हूं और आपको ये दिखाने वाला हूं कि मेरे बैक साइड में आप पोल गिरते हुए आप देख सकते हैं। और हमें बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि ये लगभग 2 या 3 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी बिजली विभाग आ करके देख करके चला जाता है या यहाँ के लोकल नेता जो है ये भी देख करके यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं। और ये आने जाने वालों के लिए कितना खतरनाक है ये आप देख सकते हैं। ये कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है और इस तरीके से ये सालों साल से पड़ा हुआ है। कुछ लोगों से हम बात पूछते हैं कि ये कब से है इस तरीके का, और हम जानेंगे कि ये इन लोगों के लिए कितना खतरा है। आप पहले बताइए कि कब से ये आप देख रहे हैं? ये करीबन 2 साल से है। करीबन 2 सालों से है। जी जी। और ये इस यहाँ के लोकल नेता से आप कहते हैं कुछ कंप्लेंट किए हैं अभी तक? देखिए, कंप्लेंट इस पर तो बिजली विभाग को देखना चाहिए क्योंकि ये चालू रोड है जी, 24 आवर देखना चाहिए। लेकिन बिजली विभाग के लोग अगर नहीं आते होंगे तो आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आते हैं बिजली विभाग वाले आते हैं इधर, बिजली विभाग वाले बिल के लिए आते होंगे। बिल के लिए तो आते हैं, उसमें कहाँ कमी है। तो फिर क्या कहते हैं? अभी तो उनको दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है। वो तो लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे खेत जो देख रहे हैं अभी। बिजली विभाग वाले का काम क्या है कि आते हैं, बिलिंग चेक करके उसके बाद पैसा लेकर के चले जाते हैं। और इस तरह की जो लापरवाही देखी जा रही है, आप ये कभी भी किसी के ऊपर, क्योंकि ये रोड है, मेन रोड है, आने आप देख सकते हैं ऐसे लोग यहाँ गाड़ी लगा करके आने जाने वाले हैं, और ऐसे लोग को कभी भी ये चपेट में ले सकता है। एक आंटी है, थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं। आंटी आप बताइए कि ये कब से है? 2-3 साल दो तीन साल से है। बाढ़ आ रही, अधिकारी लोग आते हैं बिजली विभाग के, सब कोई के कहा जाता है, सब जो कहा जाता है, लेकिन ना लोग कह ले हो जाए ना कर ले नहीं होता है। आपको बता दे कि अभी बिहार में जगह जगह पर बिजली कट किया जा रहा है बिलिंग पेमेंट के लिए, ताकि स्मार्ट मीटर लगाया जा सके। और आपको हम बता दें कि ये जब हम अगर पे करते हैं बिजली बिल हम पे कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो खतरनाक चीज़ें हम देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कहना यही चाहेंगे कि ये चालू, सबसे पहली बात है कि देखिए अभी जो इधर आप दिखला रहे हैं पूरा खेत है जी, बरसात के टाइम में पूरा पानी से भर जाता है। अच्छा, पानी से भर जाता था, अभी तो ये या पूरा पानी से भर जाता है जी जी, और ये झुका हुआ है। कभी भी वायर जो है झुका हुआ वायर है। एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, ये इतना नीचे की तरफ झुका हुआ है, ये इतना नीचे की तरफ झुका हुआ है कि वायर पे सबसे ज़्यादा पोल का जो है वजन है, ये कभी भी टूट के गिर सकता है। अगर वहाँ से टूट के गिर जाए तो हम बता देते हैं कि हम लोग यहाँ मौजूद है इसके चपेट में आ जाएंगे। दोस्तों इतना खतरनाक होने के बावजूद यहाँ पर इस तरीके से लापरवाही की जाती है। कहीं ना कहीं हमको बताया गया है कि एक आदमी है, एक बच्चा है, उसके पिताजी इसी के बिजली के चपेट में आ गए थे। क्या बात, सही बात है? सही बात। क्या हुआ था? अरे बतलाओ, क्या हुआ था बताइए। ये नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, अभी शर्मा रहा है इसे बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि इनके पिताजी क्या इस बिजली के चपेट में आने से बच गए थे। आप लोगों का घर कहाँ है? बहुत दूर है, आप लोग स्टूडेंट है ना, कितना खतरनाक है ये बता सकते हैं ना भाई? अगर ये बिजली का वायर टूट जाए अभी तो क्या होगा? हम लोग बच पाएंगे? ये किसी का भी यहाँ जान जा सकती है। सही बात है, सही बात है। अब अभी पूरा हरी हरी अभी क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे बताइए? कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ठीक करवाइए। और जो आकर के लापरवाही कर रहे हैं, आकर के बिजली बिल लेके चला जाता है ना वो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है ना। हम यही कहेंगे कि बिजली विभाग के लोग जो भी हैं और ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यहाँ पर आने जाने वाले कभी भी किस चपेट में आ सकते हैं। और यहाँ के जो किसान हैं, खेतीहर है, खेती करते हैं, वो लोग खेती करने के समय अभी गेहूं बावक हुआ है, इसके बाद जब कटाई होगा तो वो भी खतरनाक जगह पर आकर के इसका कटाई करेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। मेरा प्रशासन से गुजारिश है, बिजली विभाग से गुजारिश है, हो सकता है कभी भी तेज बारिश हो, जो सबसे बड़ा खतरा का घंटी है। सही बात है, तो मेरा यही गुजारिश है कि इसका निर्माण जो है वह जल्दी से जल्द किया जाए। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।